करता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबीज है, सबसे पहले बच्चों को, बच्चों की हॉबीज के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। बच्चों से पूछना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जो आपके स्कूल्स में जो एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनके नॉलेज में रहता है कि ये बच्चा होशियार है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आ नहीं पा रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, आप ऑब्जर्व करते होंगे एक बार, तो ये ऑब्जर्व करके ही आपको बैठे नहीं रहना है, आपको उस पर एक्शन लेना है, आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनके अंदर सेल्फ स्टीम बढ़ाना है, और उनको ऐसा मोटिवेट करना है कि वो लोग स्टेज पर आके परफॉर्मेंस करें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, तभी आप एक मतलब फ्रीबिंग में ट्रेनर होंगे कि आपने उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये था कि जो इमेज भी तो होती है, ये सब हमारे अंदर से ही आती है। तो अब आपको क्या करना है, चार्ट पेपर पे आपको लिखना है, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी हम कराने जा रहे हैं वो है वेयर डज द इमेज मिथ कम फ्रॉम, मतलब ये जो हमारी कल्पनाएं हैं ये हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, मीडिया से, सोशल मीडिया से, कहाँ कहाँ से, सोसाइटी से, आपको पॉइंट्स लिस्ट आउट करने हैं। ठीक है, तो आपको चार्ट पेपर पे सेकंड एक्टिविटी लिखनी है कि वेयर डज द इमेज, तो ग्रुप नंबर वन है, तो हमने ये इमेज पे ही आप देखिए, पहले जो इमेज में थे इसको पहले डेकोरेट कर दिया, आप इस पे गौर फरमाइए, यहाँ पे दो आंखें हम स्माइलिंग फेस जरूर है कि पहले इधर से ही शुरू करना है, मिथ को खत्म करना है। तो हमने पहले कहा कि बुक्स और नॉवेल्स, सबसे पहले बच्चा जो है वो उधर से ही देखता है, छोटेपन में ही बुक्स और कॉमिक्स से ही देखता है कि मुझे शिनचैन या वो जो भी कुछ उसके कैरेक्टर्स हैं वो बनने। फिर नेक्स्ट आती है फेरी टेल्स, ग्रेजुअली अगर हम लेके चले तो बचपन से लेके ऐसे ही चलता है ग्रोथ। फिर धीरे धीरे आता है मीडिया और सिनेमा, क्योंकि इसके थ्रू भी हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मिथ बैठा लेते हैं और वही मिथ हमें आगे जाके परेशान करता है। फिर आती है मैगजीन्स, मैगजीन्स में ग्रेट पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं कि मुझे मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनानी है, नहीं बन रही है तो डिप्रेशन में आया हुआ। बहुत अच्छा बताया, मैगजीन, मैगजीन से भी और हम देखते हैं, हम लोग मैगजीन कवर की एक एक्टिविटी कराएंगी मैडम, कराएंगे अमृत मैम, कि आपके हिसाब से मैगजीन कवर कैसा होना चाहिए। लेकिन मैगजीन कवर में जो लड़की होती है वो रियल में ऐसी नहीं होती है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए, अपनी मैगजीन का प्रमोशन करने के लिए वो लोग जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो मैगजीन भी मैम ने अच्छा पॉइंट लेके आए कि मैगजीन से भी हम लोग हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। बाकी सारे हमारे ग्रुप्स डिस्कस हो चुके हैं, थोड़े से अलग और हटके, आपके कोई अलग पॉइंट हो तो आप बताइए, बहुत अच्छा ज्वाइंट फैमिली से स्टार्ट होती है, ज्वाइंट फैमिली के बाद फिर क्या होता है, फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट होती है, फ्रेंड सर्कल के बाद क्या होती है, सोसाइटी आती है, फिर उसके बाद क्या है, मीडिया आता है, फिर मूवीज देखते हैं हम, वो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, तो उन चीजों को देखते हुए फिर बच्चों के अंदर या हमारे अंदर ये चीजें आती है कि भाई ऐसे करें, ऐसे ना करें, ऐसे ड्रेस पहने, खुद हम कॉन्शियस हो जाते हैं। सोसाइटी से आया, घर से आता है, घर से आया, दादी पीछे बोलते हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, और वो बेटा बोलेगा अरे दादी तो पीछे पड़ गई, ऐसा होना चाहिए, मेरे को तो इससे करनी शादी है ना। तो ये सब कहाँ से आता है, घर से, शुरुआत घर से होती है, घर से सोसाइटी में जाती है, सोसाइटी जाती है, दोस्तों के पास जाती है, दोस्त और फ्रेंड्स सोसाइटी, क्योंकि खूब सारे पॉइंट्स बनते हैं, फ्रेंड्स सर्कल आ जाती है, उसके बाद फैमिली आ गई, जो हम टेलीविजन में क्या देखते हैं, टेलीविजन से आता है ये सब, इमेज में वो दिखा देंगे कि ये ना बिपाशा बसु ऐसी थी, इतनी सुंदर हो गई आगे बैनर पे, गर्मी रात कर रहे उनका कमाल देखो, डब लगाया बोरी हो गई, फेयर एंड लवली मीडिया, मीडिया में देख देख के बच्चे हाई हैंडसम क्रीम जेल जेल लगा लिया, जेल आगे पहले बच्चे लाते ही थे, लड़के लोग मेकअप करते ही नहीं थे, लड़कों के लिए सबसे ज्यादा देखते थे प्रोसीना
क्रॉसिंग देख का जो है जिसकी इसका बने होना चाहिए। उसके बाद जो है सोशल मीडिया नेटवर्क जितने भी हैं हमारे सोशल व्हाट्सएप मीडिया टिकटॉक हो गया आपका कितना कुछ हो गया टिकटॉक हो गया इंस्टाग्राम चेहरा इंस्टाग्राम कभी होती है सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम हो गया आज के टाइम इंस्टाग्राम हो गया मैडम बड़ी अपडेट है मैं बच्चों को देख देख के अपडेट उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी पे अपडेट करा चल रहा है टिकटॉक बहुत चल रहा है तो ये सब क्या है इन सबसे इमेज भी बढ़ रही है इमेज भी बढ़ रही है आज की जो टेक्नोलॉजी आ रही है फैसिलिटीज आ रही है उससे हमको लगता है कि परी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम वो उस चीज से क्या है प्रभावित है तो मैंने अभी आपको एक स्काई ब्लू कलर का चार्ट दिया है तो आपने अपने ग्रुप में सभी का पहले डिस्कशन करना है कि आप 7 से 11 साल के बच्चे हो और आपकी परी की परिभाषा क्या है आपने वैसी वाली परी के मतलब आउटलाइंस बनानी है उसके बाल कैसे होंगे उसके फीचर्स कैसे होंगे कैसे वो कपड़े पहनेंगे उसके कितना मेजरमेंट्स रहेगा मैम पूरा चार्ट यूज करना है ना कल ऊपर लिखना है उसके हाथ में आप लिख सकते हैं माइंड प्रिंसेस भी लिख सकते हो आवाज प्रिंसेस भी अभी कितने वहाँ पर Breathing me I'm not afraid.
मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। अब आपको मैं एक एक्टिविटी जो स्टार्टिंग में कब्ज की होती है वो सिखाऊंगा। आप में से एक लीडर है वो चूज कर लीजिए कौन है। कौन है आप बता दीजिए प्लीज। मैं उधर। ओके लीडर, मजा आ गया। नहीं वहीं पे आप खड़े होंगे प्लीज। अब क्या है, ये जंगल की कहानी है ना, तो आज हम जंगल में खड़े हैं। जंगल में भेड़िए सुने हैं, तो उनका एक तरीका होता है किसी को भी ऑनर करने का। जब हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो हम उसको ऑनर करते हैं। ऑनर करने के लिए आपने कभी भेड़िए को देखा मुंह ऊपर करके देखा है ना, तो कुछ ऐसे ही मौकी हमने चुका। तो क्या करेंगे, जो कम मास्टर होगा वो हाथ में ऐसे सीधे करके खड़ा रहेगा, धीरे 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 करके। मैं हाथ जैसे ही नीचे करूंगा, आप सभी ने क्या करना है, टांगे खोलनी है, टांगों के बीच में से दो उंगलियां नीचे रख देनी है, साथ में बोलना है अकेला दिल से बनेंगे बेहतर हम। ये अभी एक स्टेप है, अभी हम करेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, ठीक है। ओके, हमने करना है, सभी ने करना है, सभी ने आप लोगों ने नहीं करेंगे। जैसे ही मैं हाथ यहाँ पे मेरे नीचे आ जाएंगे, आपने जंप करके ऐसे नीचे आ जाना, जंप कर, ठीक है। साथ में बोलना है अकेला दिल से बनेंगे बेहतर हम। साथ में खड़े होंगे पहले, पर भी बैठे रहिएगा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके जी, साथ में ही अब खड़े होना है। अब क्या करना है, जैसे ही बोला ना अकेला दिल से बनेंगे बेहतर हम, तो ये दो उंगलियां यहां पर आ जाएंगी आपकी, दो उंगलियां, क्योंकि कब के दो रूल्स हैं, कब बड़ों का कहना मानता है, कब मीठा बोलता है। हमारे वैसे स्काउट में तीन है, तो इनके दो है, तो आपने दो उंगलियों से ही सल्यूट करना है। तो आपको लीडर बनाया था, आपने बोलना है टिप 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 टिप, इस पे हाथ नीचे आएगा। साथ में सभी ने फिर बाद में बोलना है, जब इन्होंने टिप 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 बोला, आप बोलेंगे हम डॉप 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 डॉप, हम टॉप 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 टॉप, चार बार ये बोले, ठीक है जी। आपने डिप बोलना है, हम आप सीधा ऐसे करोगे डिप 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 डिप, हाथ चौथे पे सभी का नीचे आएगा, फिर आप सभी इकट्ठे बोलेंगे हम टॉप 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 टॉप, हाथ तो नीचे हो, ये एक्सरसाइज, ठीक है जी। दोबारा से प्लीज, अलग तरीका है, क्योंकि जंगल के नियम अलग हैं, जंगल के कानून अलग हैं, तो उसमें क्या है, सभी के लिए एक ही चीज आएगी कि हमने ऑनर करना है, उसका तरीका अलग होगा। तो क्या होगा, बच्चा बनना पड़ेगा, हम लोग बच्चे ही तो हैं, तो ये बचपना छोड़ना नहीं है। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो आपको दिल में बचपना लेकर आना ही पड़ेगा। दिप, 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 हम डॉग 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 डॉग। अब आपके लिए प्रश्न ये रहेगा कि डिप का मतलब क्या है, डॉग का मतलब क्या है, उसके लिए आपको मेरी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आइए
दिल से बनेंगे बेहतर हम। डिप 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 डॉप 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 डॉप। मैम एक जंगल की कहानी कबूल की होती है, जब किसी को फाइनल करा जाता है जंगल में जो उसके कानून अलग हैं, रूल अलग हैं, तो ये एक ऑनर हमारे कब सेक्शन की तरफ से। Yeah.
के बारे में बताना है ना, तो आप बताएंगे
आई एम अ गुड डांसर, तो आप इस सर्किल पे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, डांस भी कर सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, जो जो आपकी जो आपकी हॉबी है। तो जो और डांसर है इसमें, जैसे मधु जी को पसंद है डांस, आप में से और किसी को पसंद है तो आप भी पीछे से दौड़ेंगे। तो इससे क्या है ना, आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड सर्किल में किसको क्या पसंद है। क्लियर? फिर जो पलेले जिसके पास आएगा कूद कर, उसके ऊपर बाजी आएगी। समझ में आ रही है गेम? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट, पकड़ लीजिए रोहित सर अच्छे से, बीच में से पकड़ लो। नहीं चाल को देखिए, बीच में से पकड़ो, लंबा करो उसको। हाँ यस, आपको धीरे धीरे उसको खिलाना है। पलेले पलेले वी लाइक यू, वी लाइक यू जस्ट द वे यू आर। नहीं दूसरी जगह उठाना है, किसी के पास आना है पलेले। रोहित सर बताइए क्या पसंद है आपको, आपको जो पसंद है ना। हाँ तो किशन सर के पास डालने हैं। आई लाइक किशन सर के, किशन सर पकड़ेंगे नहीं, आपको बीच में डालना है इसमें, किस पर डालना है, बीच पे नाम देना है आपका। आई लाइक किशन सर, तो किशन सर आपके ऊपर बाजी आई है, अब आप अपना हॉबी बताएंगे और दौड़ेंगे इस सर्किल के पीछे। इसको सर्किल बनाइए, सर्किल को सर्किल बनाइए, सर्किल को सर्किल। थोड़ा सा
कभी भगत कभी आजाद बन के आएंगे वतन की राह में फौलाद बन के आएंगे हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे और गिली सबकी सबकी गिली
गुच्छों के बाल बनाती थी, गुच्छों के बाल बनाती थी। एक दिन सब चूहों ने प्लान बनाया, प्लान बनाया, पिकनिक करने तालाब बुलाया, उसी टाइम पर तैयार हुई, उसी टाइम पर तैयार हुई, बिल्ली को सजने में वार हुई, बिल्ली को सजने में वार हुई, बिल्ली बोली जल्दी आओ, बिल्ली बोली जल्दी आओ, बिल्ली बोली जल्दी आओ, बिल्ली बोली जल्दी आओ, बिल्ली उतरती हो नीली पीली, उतरती हो नीली पीली, बिल्ली चले साथ चली, चले साथ चली, दोनों ने ही भाग पड़ी, दोनों ने ही भाग पड़ी, बिल्ली ठोकर खाकर गिर पड़ी, गिर पड़ी, गिर पड़ी। बिल्ली बोली मेरे पंजे का नेल पेंट खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, अब मैं नहीं जाती, मेरा मूड भी खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। बिल्ली बोली चल मेरी बहना, चल मेरी बहना, चल मेरी बहना, छोड़ दे ये रोना धोना, रोना धोना, रोना धोना, चलो तालाब पे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, मिलकर मस्ती करते हैं, करते हैं, करते हैं। सब चूहों ने छलांग लगाई, चूहों ने छलांग लगाई, सब चूहों ने छलांग लगाई, चूहों ने छलांग लगाई, बिल्ली खुदी गिली घबराई, बिल्ली खुदी गिली घबराई, सब चूहे लगे गिली मनाने, सब चूहे लगे गिली मनाने, बिल्ली बोली मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरा मेकअप ब्रश नेल पेंट धुल जाएंगे, सब खेले पर गिली नहीं खेली, दर्शन के चक्कर में सहेली, फिर बिल्ली ने समझाया तू जैसी है वैसी ही अच्छी, जैसी है वैसी ही अच्छी, बस मेकअप की माथा पच्ची, सुनो सहेली तुझे समझाऊं, खुश रहना मैं तुझे सिखलाऊं, खुश रहना मैं तुझे सिखलाऊं, सुंदरता तो मन से होती, 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 सारा ध्यान तन पे खोती, सारा ध्यान तन पे खोती, मिच मिच को नाना नाना, मिच मिच को नाना नाना, नारे बोलो नाना नाना, नारे बोलो नाना नाना, मिच मिच को नाना नाना।